हेलो फ्रेंड्स आज मेरा लाइव आने का मेन पर्पस ये था कि okay. लॉकडाउन ये थर्ड मई को भी खुलेगा या नहीं खुलेगा वी पीपल डोंट नो बट अगर ये हमारे अच्छे के लिए होता तो नेचुरल है हम लोग जो है इसका हम मैं कभी ये वीडियोस पोस्ट नहीं करती कि लॉकडाउन हटना चाहिए बिकॉज डिजीज इज नॉट डेट डेडली हम वही क्यों देख रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो डब्ल्यू एच ओ दिखा रहा है जबकि हम जान रहे हैं डब्ल्यू एच ओ सी डी सी और डब्ल्यू एच ओ सी डी सी चाइना ये सब लोग जो है गेट्स के हिसाब से चल रहे हैं एंड आजकल बिल गेट्स जो है आप अगर देखिए जाकर के आप इंटरनेशनल साइट्स uh, में जाके देखिए इंटरनेशनल फोरम्स में जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा बिल गेट्स जो है मेजरली फंड करता है डब्ल्यू एच ओ को एंड सी डी सी में एंड डॉक्टर्स फ्रॉम अब्रोड आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट आप एक चीज देखिए सिर्फ सेंट्रली इसको क्यों रखा गया है क्यों इसको सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है हमें कोई भी बीमारी होती है इवन छोटा सा ऑपरेशन अपेंडिसाइटिस का होता है वो छोड़िए आपका बीपी लो हो जाता है आपकी फैमिली में किसी को ड्रिप भी चाहिए होता है तो आप कहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आप चॉइस आपके पास होता है डॉक्टर आप देखते हैं कि हम किस डॉक्टर से इलाज कराना है हॉस्पिटल आप चुनते हैं तो इस वक्त जब कोरोना इतनी बड़ी महामारी है तो उसको सिर्फ सेंट्रल को ही क्यों दे दिया मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ ये चीज ग्लोबली हो रही है एंड अमेरिकन आर वेरी एक्टिव टूवर्ड्स इट एंड वो लोग तो दे आर वेविंग दे आर वेविंग दे आर डिमांडिंग लिबरेटर्स वी डू नॉट वांट नो न्यू नॉर्मल आप बिलगेट्स को देखिए तो उसका फोकस हर चीज में सिर्फ वैक्सीनेशन पे रहता है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं सिर्फ इस बात को आपको इस फैक्ट को आपसे अवगत कराना चाहती हूँ कि कल ही डब्ल्यू ने वार्निंग दिया है एंड मोस्ट ऑफ द मेरे जितने फ्रेंड्स है दे आर डॉक्टर्स आप एक बार इसको देखिये मैं आपको दिखा रही हूँ Uh, WHO warns against coronavirus immunity passports. And now, see uh, what it says. It says some governments some governments have suggested that the detection of antibodies to the SARS CoV 2, the virus that causes COVID 19, could serve as the basis for an immunity passport to RICS free certificate that would enable individuals to travel.

कि जो अब वो ठीक हो चुके हैं तो उनको अब एक रिस्क फ्री सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल चुका है एंटीबॉडी की फॉर्म में बट ही सेंग्ल्यू एच वाई सेंग की अभी करेंटली कोई एविडेंस नहीं है कि जो लोग कोविड 19 से रिकवर हो गए हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे दूसरी बार भी इन्फेक्शन से तो माय क्वेश्चन इज जस्ट कि साइंस की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप देखिए इम्यूनिटी पासपोर्ट अगर हमारी जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी uh, से जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो डेंड्राइड सेल्स हैं हमारे अंदर बीटा टी सेल्स हैं सॉरी हेल्पर टी सेल्स हैं हेल्पर बी सेल्स हैं उनसे जो हमारे अंदर एक्वायर्ड जो हमारे अंदर इम्यूनिटी uh, बनती है उससे जो एंटीबॉडीज रहते हैं ये इनका कहना है कि वो एंटीबॉडीज इतने सक्षम नहीं है क्योंकि हम दोबारा से सेकेंडरी इन्फेक्शन हमें आ सकता है देन वॉट इज द इम्यूनिटी पासपोर्ट वैक्सीनेशन व्हाट वैक्सीनेशन दे आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ कॉमन मैन एटलीस्ट वी डॉक्टर्स स्पीक स्पीकअप वैक्सीनेशन वीकेस्ट फॉर्म में या डोरमेंट फॉर्म में वायरस ही तो अंदर हमारे वो लोग इंजेक्ट करेंगे और वो वीकेस्ट फॉर्म या डोरमेंट फॉर्म में इसलिए करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी उसमें भी रिस्पॉन्स क्या करता है हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज बनाती है इस वक्त एंटीबॉडीज सेव नहीं कर सकते हैं रे से लेकिन वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज सेव करेंगे डेट वुड बी योर इम्युनिटी पासपोर्ट एटलीस्ट प्लीज स्पीकअप आई डोंट नो वाई पीपल नॉट Speaking up. what is who saying and we are doing what who is recommending they only want shut down they only want lockdown they only want that we people should not work they only want the global economic crisis see study rockefeller foundation ka script 2014 mein jinhone likha study what does event 201 2016 इन्होंने सिमुलेशन किया 18 अक्टूबर 2019 को जिसको स्पोंसर किया Bill Gates ने और आज वही उन्होंने रियलिटी में कर दिया जो Contagion मूवी का मॉडल है उसको वो सच में कर रहे हैं बिल्कुल साइंस का धज्जी उड़ा हुआ है एंड व्हाटएवर आयुर्वेदा सेज सहज बल ये सब का ये सब कहा गया व्याधि प्रतिरोधक क्षमता ये सब कहां गया और हम आयुर्वेद वाले कब से विश्वास करने लग गए वायरस पे इकोनॉमी का क्राइसिस हो रहा है आप मुझे बताइए क्या कभी भी ऐसा फेज आ जाएगा कि कोरोना का आंकड़ा जीरो हो जाए जब कभी जीरो नहीं होगा देन लेट मी नो कि लॉकडाउन कब खुलेगा तब 18 महीने बाद डॉक्टर एंथनी फोची ने बोल दिया 18 महीने तक लॉकडाउन रहेगा क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है कोई नहीं समझ रहा ट्रम्प ने होल्ड कर दी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग दें किसने रिवोल्ट किया वो रिवोल्टेड विल गेट रिवोल्टेड किसने रिवोल्ट किया उस वहां के सारे गवर्नर्स ने रिवोल्ट किया देखिए अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है ट्रम्प चाहता है लॉकडाउन खोलना बट गवर्नर्स नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने बहुत समझदारी से सारी पब्लिक अथॉरिटीज को सारी मीडिया को हर चीज को अपने कंट्रोल में किया और ये स्क्रिप्ट इनकी एच के टाइम से दो से चल रही है पहले ये सब पैंडमिक्स क्यों नहीं आते थे अभी रिसेंटली डब्ल्यू ने जब हमारा सेमी नॉर्मल हुआ जब हमने पार्शियल लॉकडाउन खोला जब लॉकडाउन को ईज किया तो उन्होंने सेमी नॉर्मल पे कमेंट किया कि सेमी नॉर्मल जो है आप कर तो रहे हैं बट आपको ये नहीं पता कि आगे और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी अभी तो ये थोड़ा पेन किया अभी तो ये पेंडेमिक वन का पेन आप नहीं भूल पाए आगे और कितनी प्रॉब्लम्स होंगी उन्होंने पेंडेमिक वन वर्ड क्यों यूज किया बिल गेट्स ने एंड बिल गेट्स डज ही हैव अ मेडिकल डिग्री कि हर चीज का हेल्थ एडवाइस उनसे लिया जा रहा है बिल गेट्स जो है आप देखेंगे ही he, सेइंग कि कैन नॉट बी रिटर्न ंटिल वी डू नॉट वैक्सीनेट एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन आई जस्ट वॉन्ट टू से जो आपको दिखाया जा रहा है उस पर मत कीजिए खुद रिसर्च कीजिए आज हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी अगर आप करते रहेंगे खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो यू you नो know, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैं ये बोलना चाहती थी तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूं और मैं कब से कोशिश कर रही हूं कि सो देट पीपल में नो बट आई डोंट नो कि क्या हो गया है वाई दे आर नॉट रियलाइजिंग इवन डॉक्टर्स हैव आर नॉट स्पीकिंग अप लॉकडाउन कर क्या रहा है लॉकडाउन से आप क्या कर लेंगे उसको so कंटेन कर लेंगे आप जितने टाइम रहेंगे उतने टाइम ही तो स्प्रेड से बच पाएंगे बट आईसीएमआर ने भी ये जो फाइंडिंग निकाली है कि जिन लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है और जो लोगों का ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है जिनका कोई कॉन्टेक्ट भी ट्रेस नहीं हुआ है वो भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं एंड इवन तो मेरे बेटे को वायरल फीवर जैसा आ, सिम्टम्स हुए उस, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हुए हेड आई बीन अ नॉन मेडिको देन मैं क्या करती मैं मैं सीधा फटाफट -फड़ से ये सब देख रही होती मैं पैनिक हो जाती हूँ मैं खुद जाती कहती प्लीज चेक हिम कि एक कोरोना, कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं है और क्या होता इसको क्वारंटाइन वार्ड में डाल देते हैं तो I just want to say, बस अपना दिमाग लगाइए कि जब आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपके पास होता है And this is our democracy, this is democracy, and आर्टिकल ट्वेंटी वन गिव्स एस राइट टू लिबर्टी इट गिव्स एस राइट टू लिबर्टी द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हमें अपना इलाज कहाँ कराना है और किस डॉक्टर से कराना है तो ये हमसे ना छीना जाए एट लीस्ट